माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है खाली होगा। क्या हस्तियां बैठी हैं एक से एक सामने, आपका चेहरा देख के साथ मेरा तो दिल पर फुल्लित हो जाता है। इतना बढ़िया मंच, प्रीति ने एक बेहतरीन काम किया। एक बार अग्रवाल पिटिया के लिए ताली बजा दो साहब, बचपन से गुस्से में रहती है, छठी में भी तब से इसके अंदर गुस्सा है भाई साहब। इसके 3 नंबर काट लिए थे मैथ में, 8-8 में इन्हें 6 और 4 11 लिख दिया था, उसे 3 नंबर काट लिए जब से इसकी कुंडल नहीं गई, आज तक पड़ी है। वीरस के कभी होते हैं भाई साहब, हमारे विनीत चौहान है, प्रीति है, बड़े बड़े वीरस के कभी, इनका कोई मुकाबला नहीं भाई। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रवीण शुक्ल जी का, जिन्होंने बताया। मैं देश के कोने कोने में गया, बाबू जी मैं आज तक पुणे भी नहीं गया। मैं पुणे में क्यों जाऊंगा, ध्यान ही पड़ता नहीं तुझे तो बताओ। कोने कोने में गया, पता नहीं कहां से लाते भाई की बात छाट के कोर्ट में क्यों। और इतनी झूठ बोलते हैं ये लोग भाई साहब मंच के ऊपर, इतने बड़े बड़े, किसी ने 15 पुस्तकें लिखी है। अबे तुमने क्यों लिखी 15? पहली अच्छी लिख लेता तो कोई पढ़ लेते लोग। अंतरराष्ट्रीय कवि राजेश चेतन अंतरराष्ट्रीय है भाई साहब, कोई नहीं बुलाता ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, 15 साल पहले चेतन जी का फोन आया था, मैं भाई राजेश कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका किस लिए, बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार मैं आज तक बहनी ताकत नहीं गई अमेरिका, पहुंच गया। मैं एक महीने बाद फिर फोन, राजेश कहां, बोला स्विट्जरलैंड। मैं बोला यार कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड यार, मैं घर शक हो गया मेरे को। मैं भाई साहब घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अब बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांझ रहे। मैंने वैसे टेलीफोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां, बोला कनाडा। तू कहां, मैंने कहा दरवाजा खोल कनाडा के बाहर खड़ा हूं। जोरदार एक बार तालियां बजाए साहब। पहला समर्पित करता हूं भाई राजीव जी को। देखो ये अग्रवाल समाज का मंच है, सबकी इज्जत करेंगे हम, चाहे मोदी जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे बाबा राहुल हो, ये अशोक बाबू हम सबका सम्मान मान करेंगे। अभी मैं तो एक उसकी बात बता रहा हूँ, शिवरात्रि की भाई साहब जल चढ़ाना शंकर भगवान पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक विपक्षी दल का आगे आदमी बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा, शंकर घोड़ा नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी। के सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। जब मोदी जी आए थे देश में, आपने कहा सब आप याद कर दिए, सबने एक ऐलान किया था, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राजीव जी अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। जब ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये बात देश में दो लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के। भाई ना खाएगा ना खाने देगा, अगले तय करवा के लिए कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले हिला मत कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को पकड़ने नहीं। वाह वाह, और तालियां बजनी चाहिए उत्तर प्रदेश की तरफ से। योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। बात हो जाती है भाई साहब, इतनी मस्ती के लोग बैठे हैं, मेरा प्रवीण भाई कोई मुकाबला नहीं इसका, प्रवीण गर्ग का जिंदा दिल इंसान, कोई मतलब नखरा नहीं किसी प्रकार का। मैं आया बोले केस है, वाणी छपी हुई थी तुसान की, बोले कार्ड पर के तेरी बुआ का नाम लिख रहा क्या है।
ये क्या पता सारा तो रात हो जाएगी ऐसी बात। भाई सुनो बहुत अच्छे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी एक आदमी आया बड़ा मोदी ने बनवा दिया। मैंने कहा भाई मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ता है, सब ना सफेद कर देगा चाहे कितने भी हो। बोला तू कैसे कह सकता। मैंने कहा देख जब मोदी जी आए थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा था काला था। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद ने क्या पता सारा तो रात हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी हुई साहब क्या दृश्य था एक बार सुनिएगा बस भी लीजिएगा कि क्या पता सारा तो रात हो जाएगी ऐसी बात। एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे और हमें क्या पता कि ऐसी कड़क बनेगी चाय। एक घूंट में ही सारी चीज को जला दोगे और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली खेत ही थमा दो। और अब तालियां चाहिए साहब कि बाकियों को चाय वाली खेत नहीं थमा दोगे और आपने लुगाई छोड़ी देश का कसूर क्या है लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे लगता है धीरे धीरे। राजीव भाई बात के विशेष ये मस्ती की बात है साहब। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब पांच कमरों का फ्लैट है, केजरीवाल साहब का पांच कमरों का, चार कमरों में भाई साहब एक कमरे में पूरा परिवार खड़ा रहता है एक कमरे में, बाकी चार में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। एक लाख कैमरे दिल्ली में, हमारे हमारी बहनों ने हमारी बेटियों ने भाई साहब पदक जीते। उसी दिन शाम को केजरीवाल साहब का मेरे को टेनिस होना है। मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी ने रोक लिया। हर काम में मोदी, कहीं पे भी देख लो वही मोदी। लेकिन मस्ती की बात है साहब, मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे भाई साहब से जानता हूं, उनको वो आने वाले अशोक भाई आज से बहुत पहले से भाई साहब मस्त आदमी है, देशभक्त है पूरे। मेरे को याद है एक बार भाई साहब मैं रेस्टोरेंट के अंदर कॉफी पी रहे थे, ये बात होगी तुमसे कम सन 1923 की है, गांधी जी के साथ जो छोटा बालक था ना उस टाइम की बात बता रहा हूं 1923 की। मैं अशोक भाई हम एक होटल के अंदर उस टाइम रेस्टोरेंट होते थे भाई साहब कॉफी पी रहे थे, तो अभी इनका जलवा बता रहा हूँ देशभक्ति का अशोक भाई का उस टाइम का बता रहा हूँ मैं। एक चीनी एक पाकिस्तानी और एक कॉफी पी रहे थे, पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी तब हवा में उछाला था हाँ दो गोली मारी कब तोड़ दिया, बोला हम पाकिस्तानी है हमारा जलवा है साहब जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। यार क्या कमाल का आदमी है। अब चीन वाला जैसी कॉफी खत्म करी कुर्सी निकाली नीचे से हाथ उछाल दी दो गोली मारी ठा ठा जिस कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते। हम चीनी आदमी है अशोक भाई जैसी कॉफी खत्म करी पहले तो चीनी का गोली मारी ठा फिर पाकिस्तानी का मारी ठा, बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं भाई साहब 15 दिन से मेरे को बुला रहे यार नहीं कॉफी पी ले। अब बताओ क्यों के नहीं क्यों। ये हमारी बहन जी बैठी है प्रणाम करता हूं, सही कहा आपने महिलाओं की संख्या बहुत कम है और अधिक होनी चाहिए। आप इतनी शांति से सुन रही हो मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रत्येक ऑडिटोरियम में कभी सम्मेलन पढ़ रहा ये महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को 15 मिनट और गुस्से में देख रही आई होगी घर में गणेश करके मेरे को क्या देना देना। मैंने वहां पर पूछ लिया मैंने कहा बहन जी मुझसे गलती हो गई क्या, बोली नहीं तेरी शिकन मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता भाई साहब हमारे परवीन भाई का कोई मुकाबला नहीं, पवन भाई जिंदाबाद ये मस्त आदमी है, राजेश भाई ये सब लोग जिंदे लोग हैं सब मस्ती के आदमी। राजेश भाई था पहले फौज में था भाई साहब निकाल दिया आपको नहीं पता फौज में था बाल काट दिया, बोला बाल कैसे काट दिया भाई साहब युद्ध हुआ कैप्टन ने पूछा था तेरा फौज में क्या करा, बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए फिर क्या करा, बोला मैंने फिर दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा, बोला सिर तो कटा पड़ा था उसका। लेकिन एक बात बता देता हूं साहब धारा 370 हटी चाहे राम मंदिर बना चाहे कोई भी देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुई। राजीव जी आपको भी नहीं पता 12:30 बजे बहुजी बिल लाल जी सराफ जी आप तो
पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, सच बता रहा हूँ। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास अक्सर टेलीफोन आता है। मैं किसी को बताता नहीं मैं अपनी पढ़ाई क्यों करूं, मैं तो मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, ये बताते नहीं है। पर इतना बड़ा कवि मंच पे भाई साहब आपको कभी देखने को मिलेगा जिसकी मोदी से डायरेक्ट, शिवरतन जी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट बिना तिजोरी के। बोलेंगे भाई, मैंने कहा मोदी जी ये आप जो पाकिस्तान से इन लोगों से पहले की सरकारें ऐसे करती रही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको 4 पंक्ति सुनाई भाई साहब। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, धारा 370 राम मंदिर। अब सुन लो कैसे कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कापेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कापेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई तेरी बात समझ में आ गई, निपटा दिया काम, सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से। और ये किसी को नहीं पता, बिहारी वालों की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने 4 लाइनें सुनाई थी मोदी जी को। बोले साहब रविदत्ती सुन लो दुर्गादत्त जी, उसके बाद बोले और कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ, बोले बोल सुना। मैंने 4 पंक्ति और पढ़ी कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। खाते खुलवा दिए आपके लाहौर कराची में, अगली पंक्ति में भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। बहुत पाकिस्तानी के अंदर पैनिका मच गया, क्या हो गया ये, क्या हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसने करी? बोला जी बिहारी के लोग थे। अरे बोला बिहारी वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोला हाँ। बोला तू कैसे कह सकता बिहारी के थे? बोला उनका एक सही दूसरे से कह रहा था, मार साढ़े गले अपना। हमारी कभी समझ में आ गया बिहारी के लोग थे, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ दो। बोले प्यार प्यार नहीं जुड़ेगा, मोदी जी बोले। बोले जोड़ना पड़ेगा, मोदी जी बोले सुनो एक ही शर्त पे प्यार कर सकता हूँ, पूरे सदन को अगर विश्वास हो कि तुम्हारे भिवाड़ी के आदमी ने काम करा है तो ताड़ियां बजा लेना और विश्वास करना, जो विश्वास नहीं करेगा मेरा मिलेगा। कर लोगे तो ठीक है, सुन लो मेरी बात भाई साहब। मोदी जी से बात करी उन्होंने, हाँ भाई हाँ जी आप सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सारे काम हो गए, माफी मांगते दोनों देशों में प्यार जोड़ दो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले किस शर्त पे जोड़ोगे? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा, इनको विश्वास में चार मेरे से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता। मैंने कहा जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा मुकेश भाई, सुनो 4 पंक्ति। मैंने लिख के दी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाई। मैंने कहा देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, समर्पित करता हूँ अशोक जी को। सुनो, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे।